काफ़ी जगह पे आप लोगों ने पनीर मटर खाई होगी। आज मेरे स्टाइल से चलिए देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। वेरी सिंपल एंड इजी मेथड, बहुत क्विकली ये बन जाती है। एक पैन में मैं दो प्याज और दो बड़े साइज़ के टमाटर ले चुकी हूँ। अब इसे पानी डाल के इसे अच्छा से बॉईल कर लूँगी। ये बहुत सिंपल मेथड से बन जाता है, मीन्स घरेलू स्टाइल। अब यहाँ पे पनीर भी फ्राई हो जा रही है और अब वो जो बॉईल करके प्याज और टमाटर रखे थे उसे पेस्ट बना ली हूँ। अब उसी में एक एक करके नॉर्मल घर के जो रेगुलर पाउडर स्पाइसेस रहती है वो ऐड कर दे रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अब इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर दो चम्मच दे रही हूँ। अब इसमें और एक चीज़ ऐड करूँगी, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे रंग अच्छा आता है, क्यों पनीर मटर ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनती है तो थोड़ा कलर देना पड़ता है। तो थोड़ी सी नमक, अब इसे अच्छा से मिक्स करके रखूँगी। इसमें ना काजू, ना दही, ना कुछ। ये बहुत सिंपल तरीके से बनता है, आपके घर पे जो भी है उसी से बन जाएगा। ये एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत कोई को देखती हूँ काजू का पेस्ट, फिर दही, दूध, ये वो, तो बहुत कोई झिझकते हैं बनाने में, अरे मेरे पास काजू नहीं है तो आज नहीं बनाऊँगी पनीर मटर। आप एक बार ये तरीका आजमाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है, पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल ही बनता है। एक चम्मच मैं घी ऐड की हूँ, ये ऑप्शनल है, मैं देती हूँ थोड़ा, आप अगर ना चाहो तो पूरा स्किप कर सकते हो। रिफाइन ऑयल में या सरसों तेल में भी बना सकती हो, ये पूरा ऑप्शनल है। यहाँ तेल का थोड़ा देर गर्म होने के बाद अब धीरे धीरे मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। देखिए कुकिंग इज़ एन आर्ट, आप जिस तरीके से भी पकाओ वो अच्छा ही टेस्ट दे देती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा गोटा ज़ीरा ऐड की हूँ, ये ज़ीरा का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। अब इसमें जो मसाला का पेस्ट बना के रखी थी अब ये ऐड कर रही हूँ। ये अच्छा से फ्राई करूँगी मसाला काफ़ी कुछ देर तक। हाँ, गैस का फ्लेम धीमा ही रखिएगा। मैं मोस्टली कुकिंग करती हूँ गैस का फ्लेम धीमा करके करती हूँ, क्यों मेरी मम्मी बोलती है स्लो कुकिंग में खाना का स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है, तो ठीक है वैसे ही करती हूँ। अब इसमें मटर ऐड की हूँ, ये फ्रोज़न मटर है, पैकेट मटर, क्यों अभी ऑफ सीज़न है तो मटर तो मिलेगी नहीं गर्मी के मौसम में, तो हम लोग पैकेट मटर ही यूज़ करते हैं, फ्रोज़न पीस। ये भी अच्छा ही टेस्ट देता है, कुछ डिफरेंस लगता नहीं मुझे तो, हालांकि यही ज़्यादा बेटर फील होता है, वरना लाओ छीलो उसको फिर पकाओ, बहुत मेहनत चले जाती है उसमें। तो ये बहुत टेस्ट बना था, मैं वॉइस ओवर बाद में दे रही हूँ, तो घर पे बहुत पसंद आया था ये सभी को। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड नहीं खाते मटर पनीर, उन लोगों के लिए मैं पनीर अलग से बनाई थी तो वो शूट नहीं की। मैं यही रेसिपी शेयर करना चाह रही थी आप लोगों से, तो यही शेयर की। उन लोग को ये पीस का स्मेल नहीं पसंद है तो उन लोग के लिए अलग से बनता है पनीर, पता नहीं क्यों उन लोगों को नहीं पसंद है। हम लोगों को तो मटर बहुत पसंद है, मम्मी, बहन और मैं बहुत पसंद करती हूँ पीस, ये बहुत टेस्ट होता है। इसे एक बार आप फुलके के साथ या पराठा के साथ खा कर देखिएगा, बहुत टेस्ट आता। और हाँ, ज़ीरा राइस के साथ भी बहुत मज़ा लगता है खाने में, तो वन ऑफ आ फेवरेट डिश है ये, तो एक बार ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को मैं इतना अच्छा अच्छा रेसिपी दे रही हूँ, इतना अच्छा व्लॉग्स दे रही हूँ, आप लोग कमेंट नहीं करते, बोलते नहीं आप लोगों को कैसा लगा, मुझे इनकरेजमेंट नहीं मिलती, पता मैं मुझे बहुत लो फील होता है, लगता है मैं अपरूदा मार्क हूँ नहीं आप लोगों के लिए। प्लीज़ डू सपोर्ट मी फ्रेंड्स, प्लीज़। देखिए मैं पनीर ऐड कर दी इसमें, अब ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी, करके इसे सर्व करूँगी, सर्व करके कुछ देर ढक के रख दूँगी।
फिर जब डिनर सर्व करूँगी फिर आप लोगों से शेयर करूँगी ज़रूर। देखिए ये कितना सुंदर कलर आया है, कश्मीरी रेड मिर्च कलर अच्छी देती है। मैं ऐड करती हूँ थोड़ा बहुत, क्यों हम लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खा पाते हैं तो कश्मीरी रेड मिर्च से ही सब्ज़ी में कलर दे देते हैं। देखिए अब मैं सर्व कर रही हूँ डिनर, हम लोगों ने फुलके के साथ खाए थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।